मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत कटाई पंचायत के वार्ड नंबर 1 का ये मैं आपको तस्वीर दिखा पा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मोहल्ले को जोड़ने का सड़क है। लगभग सैकड़ों घरों से ज्यादा इस सड़क से लोग आते और जाते हैं, लेकिन कंडीशन आपके नजरों में है। किस तरह से दलदल बना हुआ है, लोग कैसे निकलते होंगे, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मानो जान को दांव पर लगाना पड़ता है। इन सभी हालात के साथ किस तरह से जी रहे हैं यहाँ के लोग, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अंत तक बने रहे पक्की खबर के इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ये जो घर है यहाँ जो है किस मदद से क्या मतलब कोई मदद करने नहीं आता है? जी नहीं। कौन सा वार्ड है ये? झगड़ू सा। अच्छा, वार्ड मेंबर का नाम झगड़ू सा है। हाँ। एक नंबर वार्ड पड़ता है। कटाई पंचायत का वार्ड नंबर 1 किस काम का है जो कि आप देख पा रहे हैं? घर का स्थिति बिल्कुल खंडर सा बन चुका है और ऐसे हालात में लोग कैसे जीते होंगे, इन सभी सवालों के साथ लोग परेशान है। और इन सभी सवालों के साथ क्या कर रहे हैं? कखनी दहा जा, कखनी मर जा, कोई ठीक नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के लोगों का दर्द आप सुन पा रहे हैं, और ऐसे हालात में कोई मददगार नहीं है। आखिर कौन इनकी मदद करेगा और क्यों नहीं इनकी मदद की जाती है? यहाँ की जनता, यहाँ के नेता से सवाल करते हैं। यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। कुछ कहना चाहिएगा बाबा? हमको मिला है नहीं हजूर, यही टुटली मरैया में गुजर करते हैं, पानी ये घेरा हुआ है। अच्छा, ये बच्चा सब जो है, बच्चा सब के पढ़ाई लिखाई सब ऐसे बंद हो जाता होगा? जी देखिए, देखिए रहे हैं सर, हम क्या करें। स्कूल का रास्ता जी ब्लॉक है, जी स्कूल में रास्ता नहीं है जाने का। बच्चा सब बौआता है, इधर उधर बौआता है, बच्चा एक नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पे भी पड़ चुका है ये पानी और ये हालात, और फिर भी कोई मददगार नहीं। इन सभी सवालों के साथ मैं दिखाना चाहूंगा ये भी घर जो कि बिल्कुल बुरी तरह से कंडीशन है। और साथ में इन सभी सवालों के साथ एक बड़ा सवाल यहाँ की जनता का ये भी है कि आखिर कब तक इस हालात में हम लोग जियेंगे, कब कौन हमारा मददगार होगा, आखिर क्यों नहीं हमारे नेता हमारी मदद को आते हैं, इन्हीं सभी सवालों के साथ। तो कटाई पंचायत का वार्ड नंबर 1 की दूसरी तरफ मैं आया हूँ और यहाँ का क्या स्थिति है ये दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं कंडीशन, किस तरह से लोग बिहारी जुगाड़ लगाए हुए हैं, जगह जगह पर जो है पत्थर रख करके, ईटा रख करके किसी तरह से आते जाते हैं। अब यहाँ ये बच्चे जो देख रहे हैं आप, ये बच्चे जो कि यहाँ के फ्यूचर है, यहाँ के भविष्य है, और बल्कि इस देश के भविष्य है, इनके फ्यूचर पे भी ये कीचड़ है। ये सिर्फ कीचड़ जो है रास्ते का नहीं है, बल्कि बच्चों को दिक्कत होता है। मैं दिखाना चाहूंगा अंदर चल करके क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। मैं अंदर की ओर आ रहा हूँ। वार्ड नंबर 1 नाम का है, नंबर 1 तो नाम का है लेकिन काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान है, यहाँ की जनता परेशान है, नेता यहाँ कोई मदद करने को नहीं आता। ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये स्थिति है यहाँ किस तरह से, जहाँ से पिए जल लेते हैं लोग, जो पीने का पानी होता है वो किस तरह से टीवल डूबा हुआ है, और ऐसे में यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, क्या हालात होगा, ये आप साफ देख पा रहे हैं। पक्की खबर के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट। कटाई पंचायत का वार्ड नंबर 1 किसी काम का नहीं। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ लोग जो है बता पा रहे, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्ट से मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये स्थिति है। ये यहाँ जो कि अगर बारिश तेज हो जाए, बरसात का मौसम है, बारिश तेज हो जाए तो शायद खाना पीना और रहना सहना पे भी आफत हो जाता होगा। ये जानने की कोशिश करूंगा ये कुछ बता पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, जो कि ये देख रहे हैं इस तरह से घर का कंडीशन है। और मैं दिखाना चाहूंगा ये सब स्थिति है। और ये यहाँ बारिश के कारण लोग दिखा पा रहे हैं बिल्कुल अंदर, ये इस तरह से जो है टूट चुका हुआ है। ऐसी स्थिति में ये आप देख पा रहे हैं ये खंडर जैसा बना हुआ है ये मकान, जो कि बिल्कुल पूरा धस सा गया है, ये हो गया है। आखिर इनको ये फंड जो सरकारी आती है और वो क्यों नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं कोई नेता इनकी मदद को आते हैं? जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ बिल्कुल कदम धस रहा है, यानी दलदल जैसा बना हुआ है। और ऐसे में अब पानी बिल्कुल, आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये इस तरह से स्थिति है। और यहाँ जो कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल तालाब जैसा बन चुका हुआ है, और इसी पर किसी भी हालात में यहाँ पर रहने को मजबूर है, यानी जान को जोखिम में डालकर, जान को खतरे में डालकर यहाँ के लोग रहते हैं। और इन सभी का हाल जानने के लिए क्या कोई नेता आते हैं या नहीं आते, ये जानने की कोशिश करेंगे। कोई आप लोग की मदद के लिए आता है? जी नहीं। कोई नहीं आता है? मुखिया मेंबर वगैरह कोई नहीं। कोई नहीं आता? कोई नहीं। अच्छा, ये इंदिरा आवास जो होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो मिला है आप लोग को? इंदिरा आवास मिला, मिला था। और ये घर मतलब उसी से बनवाए हुए हैं? नहीं, अलग बन। ये तो सड़कें तो बनी हुई है लेकिन नाला नहीं है यहाँ। और यहाँ के लोगों का क्या स्थिति है, क्या हाल है,
ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पानी की समस्या है, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ, ये घर जो कि आप देख रहे हैं, घर बिल्कुल तालाब जैसा बना हुआ। ये घर जैसे कोई पोखर या कोई तालाब या कोई नहर का मैं तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये घर है। और इस घर में देख रहे हैं आप, वहाँ पानी में आप देख पा रहे हैं, ये जो चूल्हा यानी कि भोजन जो बनाया जाता है वो भी किस तरह से बिल्कुल डूबा हुआ है। लोग यहाँ किस तरह से आते जाते हैं ये आप देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन है, क्या हालात है, क्या दिक्कतें होती होंगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक घर जो कि देख पा रहे हैं कि गिरा हुआ भी है, ये सब क्यों और कैसे हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे। मुखिया मेंबर वगैरह नहीं आते हैं? नहीं आते मदद के लिए? ये कब से है ऐसा? ऐसा आज हो गया 4 रोज से है। बाढ़ राहत का जो 6,000 रुपया मिलता वो नहीं मिला आप लोग को? नहीं, इससे पहले मिला है कभी? हाँ मिला है, पहले मिला था। और अभी जो बारिश वगैरह हुआ तो इसमें जैसे जिनको वोट दे करके आप मेंबर बनाते हैं या मुखिया बनाते हैं, वो लोग आप लोग का हाल खबर लेने नहीं आते? नहीं, हम तो बोले थे कि आने के लिए, तो कहाँ आते हैं? नहीं आते हैं। तो भोजन वगैरह कैसे बनता होगा इस तरह से? भोजन हम दूसरे अंगना से बनवा करके लाते हैं, देखते हैं ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही और सच देख पा रहे हैं कि इस तरह से कैसे कंडीशन, और पानी अगर लेना हो तो इसी पानी में हेल कर जाना पड़ता है, और भोजन के लिए जो चूल्हा होता है वो बिल्कुल डूबा हुआ है। और ऐसी स्थिति में कहाँ है नेता, कहाँ है यहाँ की जनता, परेशान है और नेता कहाँ गायब है? इन सभी चीज़ों के साथ मैं फैजी, पक्की खबर बिहार से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।